दादा 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 कर्मचारियों की बहुत कमी है और अभी जो ठेके में लिए हैं 90 आदमी लिए हैं तो कम से कम गैस प्लांट पे 13 आदमी दे रखे हैं, वर्कशॉप में 7-8 आदमी दे रखे हैं, किचन में दे रखे हैं, तो वार्ड में काम करने वाला तो है ही नहीं। और उन्होंने ऐसा रूल्स निकाला है कि जैसे लिफ्ट है कम से कम साल भर से ख़राब है, तीनों लिफ्टें ख़राब पड़ी है और अभी एक डिप्लोमा कर दिया है कि आईटीआई पास वाले को लगाया है तो कम से कम उससे लिफ्ट ही नहीं चल रही है। तो सबसे शर्म की बात ये होनी चाहिए कि अभी रोटी बेलने वाली है सही कर्मचारियों के ठेके पे आरटी पास की क्या जरूरत है। और आप ये देख रहे हो कि कैजुअल्टी के मेन सामने है, पेशेंट खुद रिश्तेदार लेके जा रहे हैं, टोली मैन है नहीं, बहुत परेशानी हो रही है सामने। तो आज हम ये चाहते हैं कि कर्मचारी बढ़ाने के लिए और इसलिए 2 घंटे का बहिष्कार कर रहे हैं। कब तक रहेगा ये बहिष्कार? ये जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी जब तक चलता रहेगा। काफी समय से हो रहा है। आपका नाम? भागचंद जोगी, सहायक कर्मचारी अध्यक्ष। यहाँ मतलब कर्मचारी आज छिन्न में के बाद में कोई कर्मचारी लियो नहीं है। जो पहली 450 कर्मचारी आप या वो रिटायरमेंट होते 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 120 कर्मचारी सफाई कर्मचारी समेत बचे हैं। गवर्नमेंट एक भी कर्मचारी लगानो नहीं चाहे। एक आदमी कोई तो 5 वार्ड में करी हो, कोई 4 वार्ड में करी हो, अटेंडेंट खुद ले लिया फिर आए। टीवी हॉस्पिटल में जो मरीज आते हैं उन वो मतलब यूँ समझ लियो ऑक्सीजन लगे मतलब अटेंडेंट ले रहा है। बेन कटे बे चक्कर खाता रहे, कटे टेम्पो में धक्का खाता रहे, नहीं तो एक मांगे रेप रेस हो तो ना वो भी वार्ड बॉय जार करा तो कोई अटेंडेंट पतो ही नहीं। यार अब तो हालत होगी क्या मतलब जब 20 वार्ड आ जाए तो आठ मतलब 450 कर्मचारी। यार अब मतलब 100 वार्ड होगा जना आटे सिर्फ कर्मचारी 120। अब यूँ बत्ती शर्मनाक बात कुछ हो ही नहीं सके। एक लिफ्ट है जबकि नहीं बनाई हुई है, नहीं बनाई हुई है पर बात 3 महीनों बंद पड़ रही है। मेन एमरजेंसी की लिफ्ट है भी मैं अटेंडेंट कैसे भी ना पेशेंट ले जावे कैसे मतलब देख लियो नहीं कि आंगना थूटोड़ा सगड़ा फूटोड़ो जका का मायने कैसे धक्का खाकर बेचारा ले ले जा रहे। दवाइयाँ कितनी ऊपर सप्लाई हुआ है, ऊपर न्यू ओटी है, सारी ओटियाँ हैं जका का मायने एक एक कर्मचारी अटने ना पकड़ पकड़ दवाइयाँ ऊपर ले जावे तो यूँ बत्ती कोई डूब मरण की बात है। डीपीसी है तो 25 साल के मायने कोई मांगे अटे कर्मचारी की कोई डीपीसी नहीं हुई। मतलब ऐसा कोई भी काम नहीं है मतलब जो को गवर्नमेंट करा सके। आज के क्या आप लोगों ने? हाँ आज 2 घंटे का बहिष्कार है। ठेके पर सिर्फ 90 आदमी लिए। अब 90 आदमी कहीं हुई जगह पे दुकान में ही काम करी है, ऑफिस में ही काम करी है तो आ देख लियो कि मरीज ने ले बड़ो तो कोई है ही नहीं। पर संभा का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और 8वीं पास को और लपड़ो डाल दियो। कलेक्टर साहब तो खेल आगे भाई 8वीं पास को मतलब ही कहीं है जो रोटी बना रही है वो पेशेंट ठिल रही है बिना 8वीं पास को कहीं मतलब है। विज्ञप्ति निकाला जना तो क्या 5वीं पास थी जे यार इन के मायने अब 8वीं की जरूरत पड़े होगी। रोटियां बनाने वाले किचन में 13 साल काम करिए गवर्नमेंट पहले तक अमीर रख लिया यार अब 13 साल बयान बेरोजगार करिए 4000 रुपया देवे सिर्फ 4000 के महीने बयान और बेरोजगार करिए यूँ बतो मतलब बेटे तो पूरी तानाशाही लगाई रखी। आप लोगों की मुख्य मांग क्या है? हमारी मुख्य मांग है भाई हमारे यहाँ कर्मचारी बढ़ाना 300 वार्ड बॉय और 300 सफाई कर्मचारी। जो कोई सफाई को देखो आपके सामने हाल देखो मेन एमरजेंसी के सामने जो कोई कुछ है नहीं कोई भी नहीं है। आपका नाम? मोहन चौधरी, हमने अटा का उपाध्यक्ष सही कर्मचारी। ठीक।